Good morning everyone. Welcome to PSN The School. I am Varsha Mathur. Today we start with class 8th, subject SST, Geography. Now we start with chapter 1, Resources. कल हमने resources के बारे में पढ़ा था, आज हम उसके types के बारे में पढ़ेंगे. Natural resources. Resources that are drawn from nature and used without much modifications are called natural resources. वो resources, वो साधन जो कि हमें किसी भी modification के बिना, किसी भी तकनीकी के बिना, मतलब कोई भी improvisation के बिना मिलते हैं, उन्हें हम प्राकृतिक साधन या natural resources कहते हैं. The air we breathe, the water in our rivers and lakes, the soil, minerals are our natural resources. जैसे कि प्राकृतिक संसाधनों में हम देख सकते हैं वो हवा जिससे कि हम सांस लेते हैं, वो पानी जिसका कि हम पीने के लिए यूज़ करते हैं, नदियाँ, मिट्टी, मिनरल्स, ये सब हमारे नेचुरल सोर्सेज में आते हैं. मैनी ऑफ दिस सोर्सेज आर फ्री गिफ्ट्स ऑफ नेचर एंड कैन बी यूज डायरेक्टली. जो ये प्राकृतिक रिसोर्सेज हैं, नेचुरल रिसोर्सेज हैं, ये हमें प्रकृति द्वारा प्रदान किए गए हैं जिसका हम डायरेक्टली यूज़ करते हैं. इन सम केसेस टूल्स एंड टेक्नोलॉजीज मे बी नीडेड टू यूज अ नेचुरल रिसोर्सेज इन द बेस्ट पॉसिबल वे. और इन प्राकृतिक संसाधनों का प्रयोग हम टूल्स और टेक्नोलॉजी की सहायता से बहुत बेहतर तरीके से कर सकते हैं. नेचुरल रिसोर्सेज आर क्लासिफाइड इनटू डिफरेंट ग्रुप्स डिपेंडिंग अपॉन योर लेवल ऑफ डेवलपमेंट एंड यूज ऑर्गन स्टॉक एंड डिस्ट्रीब्यूशन. नेचुरल रिसोर्सेज जो हैं उनको हम अलग अलग भागों में बांट सकते हैं, अलग अलग लेवल में बांट सकते हैं. ऑन द बेसिस ऑफ द डेवलपमेंट एंड आवर रिसोर्सेज कैन बी क्लासिफाइड इनटू टू ग्रुप्स, एक्चुअल रिसोर्सेज एंड द पोटेंशियल रिसोर्सेज. इनको हम दो भागों में बांट सकते हैं, एक्चुअल रिसोर्सेज में और पोटेंशियल रिसोर्सेज में. एक्चुअल रिसोर्सेज आर दोज रिसोर्सेज हुज क्वांटिटी इज नोन. एक्चुअल रिसोर्सेज वो रिसोर्सेज होते हैं जिनकी हमें क्वांटिटी के बारे में पता होता है कि ये हमारे पास पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है. दीज रिसोर्सेज आर बींग यूज इन द प्रेजेंट्स द रिच डिपॉजिट्स ऑफ द कॉयल इन द रूरल रीजन्स ऑफ जर्मनी एंड द पेट्रोलियम इन द वेस्ट एशिया. द डार्क रिसोर्सेज ऑफ द डेक्कन प्लेटू इज द महाराष्ट्र आर आर एक्चुअल रिसोर्सेज. तो ये जो एक्चुअल रिसोर्सेज हैं ये एक पर्याप्त मात्रा में है, इसका हमें पता होता है. जैसे कि जर्मनी में कोयला मिला हुआ है और वेस्ट एशिया में पेट्रोलियम जो है वो हमें ज़्यादा मात्रा में मिलता है. महाराष्ट्र में भी जो है डार्क सॉइल जो है ये पर्याप्त मात्रा में हमें मिलता है. तो ये सब एक्चुअल रिसोर्सेज है. पोटेंशियल रिसोर्सेज आर दोज हुज एंटर क्वांटिटी मे नॉट बी नोन एंड दीज आर नॉट बीइंग यूज्ड एट द प्रेजेंट. और पोटेंशियल रिसोर्सेज वो रिसोर्सेज होते हैं जिनकी कि हमें क्वांटिटी के बारे में पता नहीं होता है कि कितनी मात्रा में ये उपलब्ध है. दिस रिसोर्सेज को टू यूज़ इन द फ्यूचर और इसका हम यूज़ कर सकते हैं अपने भविष्य के लिए. द लेवल ऑफ द टेक्नोलॉजी वी हैव एट प्रेजेंट मे नॉट बी एडवांस इनफ टू द इजीली यूटेंसिल्स देयर रिसोर्सेज. द लेवल ऑफ द टेक्नोलॉजी वी हैव एट प्रेजेंट मे नॉट बी एडवांस. जो लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी है जिसका हम प्रेजेंट में यूज़ कर रहे हैं वो एडवांस में नहीं है. तो हो सकता है हमें ये इनफ रिसोर्सेज नहीं हो कि आगे भी हमें मिल पाए. द यूरेनियम फाउंड इन द लद्दाख इज एन एग्जाम्पल ऑफ द पोटेंशियल रिसोर्सेज. यूरेनियम जो कि लद्दाख में पाया जाता है वो पोटेंशियल रिसोर्सेज का एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है. दैट कुड बी यूज इन द फ्यूचर. हाई स्पीड विंड वर द पोटेंशियल रिसोर्सेज 200 ईयर्स अगो. हाई स्पीड विंड जो है वो पोटेंशियल रिसोर्सेज है जो कि हजारों सालों पहले हमें मिले थे. टुडे दे आर द एक्चुअल रिसोर्सेज वाइंड फार्म्स एंड जनरली एनर्जी यूजिंग वाइंड मिल्स लाइक द नीदरलैंड. और आज जो हमें एक्चुअल रिसोर्सेज मिला हुआ है वो विंड फार्म के रूप में मिला हुआ है जो कि नीदरलैंड में है. विंड मिल्स हमें मिली हैं. यू विल फाइंड सम इन द नागरकॉइल इन द तमिलनाडु एंड और द गुजरात कोस्ट. और इसे हम गुजरात कॉस मतलब वहाँ गुजरात में भी पाया जाता है, तमिलनाडु में भी पाया जाता है. बेस ऑन देयर ओरिजिनल सोर्सेज कैन बी द बायोटिक एंड बायोटिक. और जो ओरिजिनल सोर्सेज हैं इनको हम दो भागों में बांट सकते हैं, अबायोटिक एंड बायोटिक. अबायोटिक रिसोर्सेज आर नॉन लिविंग वाइल बायोटिक रिसोर्सेज आर लिविंग. अबायोटिक जो रिसोर्सेज होते हैं वो नॉन लिविंग रिसोर्सेज होते हैं और बायोटिक रिसोर्सेज जो होते हैं वो लिविंग रिसोर्सेज होते हैं. सॉइल, रॉक्स, मिनरल्स एंड बायोटिक बट प्लांट्स एनिमल्स आर बायोटिक रिसोर्सेज. सॉइल, रॉक्स और मिनरल्स जो होते हैं ये अबायोटिक रिसोर्सेज हैं और प्लांट एनिमल्स
ये बायोटिक रिसोर्सेज हैं। जैसा कि बताया गया कि बायोटिक रिसोर्सेज होते हैं नॉन लिविंग, और एग्जांपल दिया गया है सॉइल, रॉक्स और मिनरल्स का। और जो कि लिविंग सोर्स है जैसे कि एनिमल्स, प्लांट्स, इनको किस में रखा गया है? बायोटिक रिसोर्सेज में। नेचुरल रिसोर्सेज कैन बी ब्रॉडली कैटेगरीज इनटू द रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं, प्राकृतिक संसाधन हैं, उनको हम रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज में बदल सकते हैं। रिन्यूएबल रिसोर्सेज आर दोज व्हिच वी गेट रिन्यूड एंड रिप्लेस क्विकली। रिन्यूएबल रिसोर्सेज वो होते हैं जिसको हम दोबारा से यूज में कर सकते हैं और जिसका हम नया रूप प्राप्त कर सकते हैं। सम ऑफ दीज आर अल्टीमेट एंड आर नॉट अफेक्टेड बाय द ह्यूमन एक्टिविटीज सच एज द सोलर एंड द विंड एनर्जी। सम ऑफ दीज आर अल्टीमेटेड आर नॉट अफेक्टेड बाय द ह्यूमन एक्टिविटी। इसमें से कुछ रिसोर्सेज ऐसे हैं जो कि मानवीय कारणों से प्रभावित नहीं होते हैं, सच एज द सोलर एंड विंड एनर्जी, जैसे कि सोलर और विंड एनर्जी है। Yet careless use of the certain renewable sources like water, soil and forests can affect their stock. लेकिन यदि असावधानी पूर्वक कुछ resources का use किया जाए तो उनके stock पर effect पड़ जाता है। जैसे कि पानी हमारे पास पर्याप्त मात्रा में है, उसको हम waste करेंगे तो फिर उसकी हमें कमी हो जाती है। Soil है, forest है, इनका हम careless use करेंगे तो फिर इसका इसे हम वापस प्राप्त नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये हमारे पास एक लिमिटेड मात्रा में है जिसका हमें सही तरीके से यूज़ करना चाहिए। वाटर सीम्स टू बी एन अनलिमिटेड रिन्यूएबल सोर्सेज, बट शॉर्टेज एंड ड्राइंग अप ऑफ नेचर वाटर सोर्सेज इज अ मेजर प्रॉब्लम इन मैनी पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड टूडे। वाटर हमारे पास अनलिमिटेड है, बट शॉर्टेज एंड द ड्राइंग अप ऑफ द नेचुरल वाटर सोर्सेज, मतलब वाटर है तो सही हमारे पास में बहुत सारा मात्रा में, लेकिन वाटर की शॉर्टेज क्यों हो जाती है? क्योंकि कभी कभी सूखा पड़ जाता है और इस तरह की, और जब इसका ज़्यादा यूज़ होने लग जाता है तो फिर इसकी कमी आने लग जाती है और हमें उसका सामना करना पड़ता है। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज आर दोज विच हैव लिमिटेड स्टॉक। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज वो हैं जिनका हमारे पास लिमिटेड स्टॉक है। Once the stocks are excess, it may take thousands of years to be renewed or replenished. इसको वापस से प्राप्त करने में हमें कई हज़ार साल लग जाते हैं। Since this period is much more than human life spans, such as sources are considered non-renewable, coal, petroleum and natural gases are some example. तो कुछ resources जो होते हैं वो हमें वापस से उनका मिल पाना बहुत मुश्किल हो जाता है, उनको वापस से खोजने में हज़ारों साल में लग जाते हैं, जैसे कि कॉयल है, पेट्रोलियम है, नेचुरल गैसेज हैं। ये कुछ एग्जाम्पल हैं जो कि हमारे पास लिमिटेड हैं ये सोर्स, और इनका हमें सही तरीके से यूज़ करना चाहिए क्योंकि हज़ारों सालों बाद ये मिले हैं, और यदि वापस से इनका खोज किया जाएगा तो हमें इतना टाइम में लगेगा। ऑन द बेसिस ऑफ देयर डिस्ट्रीब्यूशन रिसोर्सेज कैन बी ऑब्जेक्ट्स एंड द लोकलाइज रिसोर्सेज दैट आर फाउंड एवरीवेयर लाइक वी ब्रीद आर ऑब्जेक्ट्स, बट दोज वी आर फाउंड ओनली द सर्टेन प्लेसेस आर द localized like copper and iron. resources जिसका हम सब जगह यूज़ करते हैं, जैसे कि हवा जिसको कि हम सांस लेने में यूज़ करते हैं, और उसे हम abiotic resources कहते हैं, but those which are found only certain places, लेकिन कुछ resources जो कि कुछ ही places पर पाए जाते हैं उन्हें localized like copper and iron, उन्हें localized resources कहते हैं। the distribution of natural resources depend upon number of physical factors like terrain, climate and altitude, और जो भी resources का पाया जाना होता है वो वहाँ, मतलब जो भी संसाधन है वो वहाँ के location पर depend करते हैं, वहाँ के climate पर depend करते हैं, वहाँ के altitude पर depend करते हैं, सबका अलग अलग होता है और इसी के कारण वहाँ पर पर्याप्त मात्रा में संसाधन पाए जाते हैं। The distribution of the resources is unequal because this factor differs so much about the earth. जो resources का
डिस्ट्रीब्यूशन है वो सब जगह अनइक्वल है, मतलब किसी जगह कोई सा रिसोर्सेज पाया जाता है, किसी जगह कोई सा रिसोर्सेज पाया जाता है, और वहाँ की क्लाइमेट के अकॉर्डिंग ये रिसोर्सेज हमें मिलते हैं। अब हम पढ़ेंगे ह्यूमन रिसोर्सेज के बारे में। समटाइम नेचर सरप्लस बिकम रिसोर्सेज ऑन डिमांड या ओरिजिनल फॉर्म्स हैज बीन चेंज्ड सम टाइम को समय नेचुरल सब्सटेंस बिकम रिसोर्सेज, प्राकृतिक जो तत्व हैं वो रिसोर्सेज में बदल गए। ऑनली व्हेन देयर ओरिजिनल फॉर्म्स हैज बीन चेंज, उनकी जो ओरिजिनल जो फॉर्म है उनको चेंज कर दिया गया है, मतलब जो प्राकृतिक संसाधन है वो नेचुरल रिसोर्सेज है उनके ओरिजिनल फॉर्म को चेंज कर दिया गया है। आयरन आर वॉज नॉट अ रिसोर्सेज अंडर पीपल लर्न टू एक्सट्रैक्ट आयरन फ्रॉम इट। आयरन जो उसका रिसोर्सेज में तब तक यूज़ नहीं किया जाता है जब तक कि लोगों को आयरन प्राप्त नहीं हो जाता है। पीपल यूज नेचुरल रिसोर्सेज टू मेक बिल्डिंग्स, ब्रिज, रोड्स, मशीनरीज एंड द व्हीकल्स विच आर नोन एज द ह्यूमन मेड रिसोर्सेज। जब इन प्राकृतिक संसाधनों का यूज़ करते हुए, टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हुए मनुष्य उन संसाधनों को बदल देते हैं तो उन्हें हम ह्यूमन मेड रिसोर्सेज कहते हैं। जैसे कि लोगों ने सोर्सेज को बदलकर बड़े बड़े ब्रिज बना दिए हैं, रोड्स बना दिए हैं, मशीनरी बना दी है, व्हीकल्स बना दिए हैं। टेक्नोलॉजी इज ऑल्सो अ ह्यूमन मेड रिसोर्सेज। टेक्नोलॉजी यानी कि तकनीकी जो आज मनुष्य ने बनाई है उसको भी हम ह्यूमन रिसोर्सेज में शामिल करते हैं। सो पीपल लाइक अस यूज नेचुरल सोर्सेज टू मेक ह्यूमन मेड रिसोर्सेज, तो इसलिए हम लोगों का भी यूज़ ह्यूमन मेड रिसोर्सेज में करते हैं। सेड मोना नॉडिंग एंड अंडरस्टैंडिंग, यस सेड राजू। और इसके बाद मोना ने कहा कि जो मनुष्य है उसको भी हम एक रिसोर्सेज के रूप में यूज़ करते हैं, और मोना की इस बात को सहमत करते हुए राजू ने उसकी हाँ में हाँ भरी। अब हम पढ़ेंगे ह्यूमन रिसोर्सेज क्या है। ह्यूमन रिसोर्सेज, पीपल कैन मेक द बेस्ट यूज़ ऑफ द नेचर टू क्रिएट मोर रिसोर्सेज। मनुष्य जो है वो प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग ज़्यादा और रिसोर्सेज बनाने के लिए कर सकता है। व्हेन दे हैव द नॉलेज, स्किल एंड द टेक्नोलॉजी टू डू सो, यदि उसके पास उस चीज़ को करने की नॉलेज हो, टेक्नोलॉजी हो, तो वो प्राकृतिक संसाधनों का यूज़ बहुत ही बेहतर तरीके से कर सकता है, नए रिसोर्सेज बना सकता है। दैट इज़ वाई ह्यूमन बींग्स आर द स्पेशल रिसोर्सेज। इसीलिए कहा जाता है कि मनुष्य एक बहुत स्पेशल रिसोर्सेज है, मानव को भी रिसोर्सेज में माना गया है। पीपल लाइक ह्यूमन रिसोर्सेज, एजुकेशन एंड हेल्थ हैव द मेकिंग पीपल इज़ अ वैल्यूबल रिसोर्सेज। पीपल इनके जो लोग हैं वो एक मानवीय संसाधन हैं, शिक्षा ने और हेल्थ ने हेल्प की है, शिक्षा ने हेल्प की है मनुष्य की संसाधनों को बदलने में और नए सोर्स बनाने में। इम्प्रूविंग द क्वालिटी ऑफ द पीपल स्किल सो दे आर able to create more resources is known as the human resources development। लोगों ने नए सोर्सेज को बदला है और बदला नहीं उनकी क्वालिटी को भी बढ़ाया है अपने स्किल से, अपनी नॉलेज से, तो उन्होंने ह्यूमन रिसोर्सेज का डेवलपमेंट किया है और नए ह्यूमन रिसोर्सेज को बदला है। तो आपको अब इससे समझ में आया होगा कि ह्यूमन रिसोर्सेज क्या होता है। ह्यूमन रिसोर्सेज मतलब जो लोग हैं, हम मनुष्य हैं, वो प्राकृतिक संसाधनों का यूज़ करते हैं, पर बेस्ट टेक्नोलॉजी से, अपनी एजुकेशन से हमने उन सबको अच्छा से अच्छा करने की कोशिश की है, उसका डेवलपमेंट किया है, तो यही हमारा ह्यूमन रिसोर्सेज है। अब हम पढ़ेंगे कंजर्विंग रिसोर्सेज के बारे में। Mona had a nightmare. She dreamed that all the water of the earth had dried up and all the trees cut down. Mona को एक सपना आया जिसमें उसने देखा कि पूरा जो पानी है, water on the earth had dried up, मतलब पृथ्वी पर जितना भी पानी है वो सूख गया है, and the trees cut down, और सारे पेड़ कट चुके हैं। There was no shade. Thank you.
कंजर्वेंस रिसोर्सेज के बारे में हम पढ़ रहे थे, उसमें मोना ने एक सपना देखा। उसमें उसने देखा कि सारा पानी जो है वो सूख चुका है, पृथ्वी पर सारे पेड़ कट चुके हैं, देयर वॉज नो शेड एंड नथिंग टू ईट एंड ड्रिंक। और उसने देखा पृथ्वी पर खाने के लिए भी कुछ भी नहीं है, और पृथ्वी पर कोई पेड़ नाम की चीज़ नहीं है, पानी पीने के लिए नहीं है। पीपल आर सफरिंग एंड रोमिंग अराउंड दिस पार्टली लुकिंग फॉर फूड एंड शेड। लोग बहुत बुरी तरीके से परेशान हो रहे हैं खाने को ढूंढने के लिए, पेड़ों मतलब भोजन के लिए और पानी की तलाश में लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं। तो ऐसा मोना को सपना आया, शी टोल्ड हर मदर अबाउट द ड्रीम। उसने अपनी मम्मी को अपने सपने के बारे में बताया। अम्मा कैन दिस रियली हैपन, शी आस्क्ड। अम्मा कैन दिस रियली हैपन, कि ऐसा सच में हो सकता है? मतलब उसने एक सपना देखा जिसको देखकर वो डर गई और वो अपनी अम्मा से पूछने लगी कि ऐसा सच में हो सकता है? यस, अम्मा रिप्लाइड, इफ़ वी आर नॉट केयरफुल दैट इवर रिन्यूएबल रिसोर्सेज कैन बिकम अ वेरी स्क्योर एंड अ नॉन रिन्यूएबल वंस कैन डेफिनेटली गेट एग्जिस्ट। अम्मा ने कहा हाँ हाँ ऐसा बिल्कुल हो सकता है जो तुमने सपना देखा है, क्योंकि हमारे जो रिसोर्सेज है वो रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल है, यदि हम उसका सही ढंग से प्रयोग नहीं करेंगे तो वो कम हो सकते हैं। रिन्यूएबल रिसोर्सेज जो है वो कम हो सकते हैं और नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज है वो तो बिल्कुल ही ख़त्म हो सकते हैं। वॉट कैन वी डू अबाउट इट, राजू आस्क, लॉर्ड्स रिप्लाइड अम्मा। अब राजू ने कहा कि यदि ऐसा हो जाएगा, सब कुछ ख़त्म हो जाएगा, तो फिर हम क्या करेंगे, हमें क्या करना चाहिए? लॉर्ड्स रिप्लाइड अम्मा, यूजिंग सोर्सेज केयरफुली एंड गिविंग देम टाइम टू गेट रिन्यूएबल इज कॉल्ड। बोले जो रिसोर्सेज है उसको हमें बहुत ही केयरफुली यूज़ करना चाहिए, इसे हम कहते हैं रिसोर्सेज कंजर्वेशन। एक बार वापस से समझाती हूँ लाइन, यूजिंग रिसोर्सेज केयरफुली एंड गिविंग देम टाइम टू गेट रिन्यूड कॉल्ड रिसोर्सेज कन्वर्सेशन, कि जो हमारे पास संसाधन हैं उनका बहुत ही सावधानीपूर्वक सदुपयोग करने को रिसोर्सेज कन्वर्सेशन कहते हैं, संसाधनों का संरक्षण कहते हैं। बैलेंसिंग द नीड टू यूज रिसोर्सेज एंड ऑल्सो कंजर्व दैम फॉर द फ्यूचर इज कॉल्ड द सस्टेनेबल डेवलपमेंट। रिसोर्सेस को अपनी आवश्यकता के अनुसार यूज करना और उनका संरक्षण करना अपने भविष्य के लिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहलाता है। देयर आर मैनी वेज ऑफ कंजर्विंग रिसोर्सेज, मतलब संसाधनों को संरक्षण करने के लिए बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। ईच पर्सन कैन कंट्रीब्यूट बाय द रिड्यूसिंग कंजप्शन, रिसाइकलिंग एंड रीयूजिंग थिंग्स। अब हम संसाधनों का संरक्षण किस तरीके से कर सकते हैं, ये अम्मा ने अपने बच्चों को समझाया कैसे कर सकते हैं। देखो इसको हम रिड्यूस करके भी इसका हम संरक्षण कर सकते हैं, रिसाइकल यानी कि वापस से उसका यूज़ कर भी कर सकते हैं और रीयूज करके भी कर सकते हैं। तो ये तीन तरीके अम्मा ने बताए। अल्टीमेटली इट्स मेक अ डिफरेंट बिकॉज ऑल अवर लाइफ आर लाइट। अल्टीमेटली इट्स मेक अ डिफरेंस, इन सब चीज़ों में अंतर है, बिकॉज ऑल आर लाइफ आर लाइट, क्योंकि हम सबका जीवन अलग अलग है, हमें इन बातों को समझना पड़ेगा। दैट इवनिंग द चिल्ड्रन एंड देयर फ्रेंड्स मेड पैकेट्स एंड शॉपिंग बैग्स आउट ऑफ द ओल्ड न्यूज़पेपर डिस्कार्ड्स क्लॉथ्स एंड बास्केट फ्रॉम बैम्बू स्टिक्स। वे विल गिव अ फ्यू टू एवरी फैमिली वी नो, सैड मोना। इस शाम को उन बच्चों ने और उनके फ्रेंड्स ने, मतलब मोना और राजू जो दोनों बच्चे थे और उनके फ्रेंड्स थे, उन्होंने कुछ चीज़ें इकट्ठी की, जैसे कि शॉपिंग बैग्स इकट्ठे किए, जो पुराने न्यूज़पेपर थे वो कलेक्ट किए और पुराने कपड़े कलेक्ट किए। इसके अलावा जो कुछ बैम्बू स्टिक्स थी वो कलेक्ट की। वे विल गिव अ फ्यू टू एवरी फैमिली वी नो, सैड मोना। आफ्टर ऑल इट इज़ फॉर अ गुड क्यूज, सैड मुस्तफ़ा, टू सेव आर रिसोर्सेज एंड टू कीप आर अर्थ अलाइव। यदि इन चीज़ों को हम दोबारा से यूज़ में लें और उन लोगों को दिया जाए जिन्हें कि इनकी ज़रूरत है, तो मेरे ख्याल से एक बहुत अच्छा रिसोर्सेस हो सकता है, टू सेव आर रिसोर्स एंड कीप आर अलाइव।
मुस्तफ़ा ने कहा टू सेव आवर सोर्सेज, हमें अपने सोर्सेज को सेव करना पड़ेगा। यदि हमें पृथ्वी पर जीवित रखना है, पृथ्वी पर जीवित रहना है, तो हमें अपने सोर्सेज को सेव करना पड़ेगा। आई एम गोइंग टू बी वेरी केयरफुल नॉट टू वेस्ट पेपर, सेड जेसी। जेसी ने कहा कि मैं पेपर वेस्ट नहीं करती हूँ और इस तरफ बहुत ध्यान रखती हूँ। मैंने ट्रीज आर कट डाउन टू मेक पेपर, शी एक्सप्लेन। और उसने ये भी कहा कि हमें पेपर इसलिए वेस्ट नहीं करना चाहिए क्योंकि पेपर को बनाने के लिए बहुत सारे पेड़ों को काटा जाता है। आई विल सी दैट इलेक्ट्रिसिटी इज नॉट वेस्टेड इन माई हाउस, शाउटेड मुस्तफ़ा। इलेक्ट्रिसिटी कम्स फ्रॉम वाटर एंड ऑयल। मैं इस चीज़ का ध्यान रखूंगी कि मेरे घर में बिजली बर्बाद ना हो, क्योंकि जो बिजली भी बनाई जाती है वो बहुत सारे पानी और कॉयल से बनाई जाती है। तो ये बच्चे ट्राई कर रहे हैं इस चीज़ को कि किस तरीके से हम रिसोर्सेस को बचा सकते हैं अपने घरों में। और ऐसी कोशिश बच्चों हम सबको भी करनी चाहिए। हमें इलेक्ट्रिसिटी है, यदि उसका सही यूज़, मतलब सही यूज़ करना चाहिए। वाटर है, उसका सही यूज़ करना चाहिए। और इस एग्जांपल से ये बच्चे यही समझाने की कोशिश कर रहे हैं। इसमें मोना, राजू और उनके फ्रेंड्स हैं, वो अपनी अपनी बातें बता रहे हैं और इससे हमें यही समझाने का प्रयास किया जा रहा है कि हमें किस तरीके से चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए, किस तरीके से रिसोर्सेस का सदुपयोग करना चाहिए। आई विल मेक श्योर दैट वाटर इज़ नॉट वेस्टेड एट होम, सैड आशा। आशा ने कहा कि मैं पूरी कोशिश करूंगी मेरे घर में पानी बर्बाद ना हो। एवरी ड्रॉप ऑफ वाटर इज प्राइजेस, क्योंकि पानी की हर बूंद कीमती है। तो आशा ने क्या समझाने की कोशिश की कि हमें घर में पानी को वेस्ट नहीं करना चाहिए क्योंकि पानी की हर बूंद कीमती होती है। टुगेदर वी कैन मेक अ डिफरेंस, क्रॉस द डिफरेंस। अभी हमने देखा कि अलग अलग बच्चों ने अपने अलग अलग बातें बताई कि वह रिसोर्सेस को बचाने के लिए क्या क्या करेंगे। तो बच्चों हमें भी ऐसा ही करना चाहिए, घर में कोई भी चीज़ वेस्ट नहीं करनी चाहिए, चाहे वो इलेक्ट्रिसिटी हो, चाहे वो वाटर हो, चाहे कोई भी चीज़ हो, उसे बर्बाद नहीं करना चाहिए, सभी चीज़ों का सदुपयोग करना चाहिए। दीज आर सम ऑफ द थिंग्स मोना, राजू एंड देयर फ्रेंड्स डिड। तो ऐसी कुछ छोटी छोटी सी चीज़ें जो कि मोना, राजू और उनके दोस्तों ने की, वैसी हमें भी करनी चाहिए क्योंकि ये हम कर सकते हैं। वॉट अबाउट यू, हाउ आर यू गोइंग टू हेल्प इन कंजर्विंग रिसोर्सेज। आप क्या सोचते हो, आप किस तरीके से इन रिसोर्सेज का यूज़ करोगे। द फ्यूचर ऑफ आवर प्लैनेट एंड इट्स पीपल इज लिंक्ड विद आवर एबिलिटी टू द मेंटेन एंड प्रिजर्व द लाइफ सपोर्ट सिस्टम द नेचर प्रोवाइड्स। क्योंकि भविष्य में यदि हमें ये संसाधन चाहिए तो हमें इन सबको मेंटेन कर रखना चाहिए, करना पड़ेगा, प्रिजर्व करना पड़ेगा, इनका संरक्षण करना पड़ेगा, एक सपोर्टिंग सिस्टम बनाना पड़ेगा, तभी इन चीज़ों का हम यूज़ कर पाएंगे, नहीं तो ये चीज़ें हमें फ्यूचर में नहीं मिल पाएगी। देयरफॉर इट इज़ आवर ड्यूटी टू इंश्योर दैट, इसलिए हमारा ये कर्तव्य है। तो बच्चों हमारा क्या कर्तव्य है, और यूज़ ऑफ रिन्यूएबल रिसोर्सेज आर सस्टेनेबल, यानी कि हम किसी भी जो रिसोर्सेज हैं उनका यूज़ उसका सब्सटेंस ढूंढ के कर सके, मतलब कम से कम उसका कर सके। द डाइवर्सिटी ऑफ द लाइफ ऑन द अर्थ इज कंजर्व, और इनका हम संरक्षण कर सके रिसोर्सेज का। द डैमेज ऑफ द नेचुरल एनवायरनमेंट सिस्टम इज मिनिमाइज्ड, और जो पृथ्वी पर चीज़ों का नाश हो रहा है उसको हम कम करने में सहायता कर सके। तो ये जो रिसोर्सेज वाला चैप्टर था उसमें यही समझाया गया है कि रिसोर्सेज नेचुरल भी होते हैं, रिसोर्सेज आर्टिफिशियल भी होते हैं, और हम खुद एक रिसोर्सेज हैं, ह्यूमन भी एक रिसोर्सेज हैं। हमें रिसोर्सेज का यूज़ बहुत ही बेहतर तरीके से करना पड़ेगा और हमें इनका संरक्षण करना पड़ेगा, तभी फ्यूचर में हम इसका यूज़ कर पाएंगे। जिसके लिए बच्चों ने कई एग्जाम्पल भी दिए जो कि बहुत ही बेहतर थे, और आज से हम सब बच्चे भी ये प्रॉमिस करते हैं करें, और मैं चाहूँगी कि सब बच्चे प्रॉमिस करें कि हम अपने घर में वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, ये सब चीज़ें जो भी हमें प्रोवाइड की जा रही है, इसको वेस्ट नहीं करेंगे और ना ही करने देंगे। तो इस चैप्टर में हमने यही समझा, आज ही हमारा सेक्शन यहीं पे ख़त्म होता है। थैंक यू।